सुबह के 4 बज रहे हैं और ये देखो यहाँ पर मेरी प्यारी प्यारी देर आ रही है, इसको नींद नहीं आ रही है हमारे घर में और इसको बारिश में बारिश आ रहा है तो इसलिए हमने इसलिए वाटर पार्क ही बना दिया। जाइए ये देखो जिस टाइम पे लोग अभी सो रहे हैं उस टाइम पे यहाँ पर लड़की वाटर पार्क में आ रखी है। रोया झूठ मत बोल, देख लो पहले क्या पता बाहर का खाती होगा, मेरे भी दर्द हो रहा है पेट में यहाँ पे, मेरे तो भक्ति दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो टाइम होने वाला है 4:10 का, आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ 4 बजे से और मैंने मॉर्निंग से ब्लॉगिंग नहीं करी और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सुबह के, वैसे रात से बारिश हो रही है बट मैं सुबह 4 बजे की जगह हुई थी तो 4 बजे मुझे पता चला कि बारिश हो रही है बहुत तेज और पहले से कल से बहुत अच्छा मौसम हुआ है बाहर का, मतलब इतनी गर्मी नहीं है, मतलब गर्मी बहुत कम है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है गर्मी, क्योंकि आज पूरी दिन में मैं पंखे में ही रही हूँ। और अभी मैं क्या कहते हैं आज जा रही हूँ मैं अपनी मम्मी के घर मायके जा रही हूँ अपने, क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं लंदन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, तो मेरे हस्बैंड गए हुए हैं लंदन, वो गए 7-8 दिन के लिए वो, तो मैं भी सोच रही क्यों ना मैं भी मम्मी के घर चली जाऊँ 7-8 दिन के लिए, और यहाँ पर मेरे सासू माँ सासू ससुर और भी बहुत लोग हैं, तो फिलहाल मम्मी ने भी बोला मेरे सासू माँ ने कि अगर जाना है तो चले जाओ। अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर में, मेरे घर मेरा मायका यहाँ से 1.5 घंटा लगता है मुझे यहाँ से मायके जाने में। और अभी मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे कमरे में बोलने आई थी कि चाय बना दे हमारे लिए, तो मैं पहले चाय बना लेती हूँ, मैं पीऊँगी नहीं बट उनके लिए बना देती हूँ चाय, उनके लिए चाय बना देती हूँ, फिर रेडी वेडी होंगी फिर अपने लिए कैब बुक कर दूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले मेट्रो से जाऊँगी बट अब मैं मेट्रो से जा रही क्योंकि बाहर ना बहुत कीचड़ कचड़ हो रही है और मेरे पर थोड़ा सामान भी है ज़्यादा, 2 बैग मेरे पे, मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑटो से ही चले जाऊँ, वैसे मैं हमेशा मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ एंड ऑटो से जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बैग है और फिर वहाँ तक जाने के लिए मुझे बाहर से ऑटो लेने पड़ेगा आनंद विहार के लिए, मेरे यहाँ से सबसे पास पड़ता है आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन, मैं वहीं से ही मेट्रो लेती हूँ जब भी अपनी मम्मी के घर जाती हूँ, बट आज मैं सोच रही हूँ ऑटो से ही चली जाऊँगी और डायरेक्ट मैं ऑटो अपने आस्था मंदिर के लिए करूँगी, आस्था मंदिर से ही मेरे घर में घर जाने को 10-15 मिनट लगते हैं, आस्था मंदिर में मेरी मम्मी आएगी मुझे लेने के लिए क्योंकि मेरी मम्मी शाम को पार्क वगैरह जाती है तो मुझे लेने के लिए आएगी। तो फिलहाल बस कुछ नहीं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो ऐसे मौसम में अगर बाहर वगैरह जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, तो अभी फटाफट से बना लेती हूँ मम्मी लोगों के लिए चाय, फिर उठती हूँ रेडी, बैग मैंने पैक करके रख दिया है, फिर होती हूँ रेडी और फिर जाती हूँ, फिर अपने लिए कैब बुक करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पूरा मतलब मेरा सामान वगैरह हो गया है, मैंने कैब बुक कर दी है वो आने वाली है 5 मिनट में, और आज मैंने पहना है 1 पीस ड्रेस क्योंकि गर्मी जैसे बाहर का मौसम हो रहा है उसके हिसाब से अब गर्मी होने लगी है बहुत ज़्यादा, तो फटाफट से मेरी आ रही है कैब नीचे और मैं जाती हूँ, फिर मैं अपलोड कर दूँगी। आप लोग तो टाइम होने वाला है 1:26 का, 1:30 बजने वाला है और अभी हमने दिन में कुछ भी खाना नहीं बनाया है, आज खाना खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था कुछ खास क्योंकि हमने अभी मतलब ब्रेकफास्ट ही लेट किया था 10:30-11 बजे के करीब किया था, इस वजह से भूख भी लग रही है और मेरा तो वैसे भी खाने का मन नहीं करता है, तो फिलहाल बनाने जा रही हूँ मैगी, तो फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, अभी मैगी अपने लिए मैगी बना रही है और मम्मी के लिए मेरी मौसी के लिए की रोटी डालेगी, और मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस में मैंने मतलब प्याज वगैरह डाल दिए, अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ मैगी और फिर उसके बाद रोटी मेरी बहन बनाएगी, क्योंकि मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो मैगी खाऊंगी, क्योंकि ना आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरे को ना भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी, मैं मतलब बहुत कम हो गया मेरा खाना, तो मैं भी कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी दिखाने के लिए कि ऐसा क्या हो गया मेरा खाना बहुत कम हो गया, मतलब पूरे घर वाले परेशान, मेरे ससुराल वाले तो परेशान है ही, मेरे मम्मी पापा भी परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा, कह रहे कि खाना बहुत कम हो गया, मैं हालांकि बहुत खाना खाती थी पहले बट मेरा मैंने इतना कम खाना कभी नहीं खाया जितना खाना मेरा अब हो गया है, तो फिलहाल मैं भी जब मायके से घर जाऊँगी
तब मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी एक बार जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे अगस्त में बुलाया था, बट मैं सोच रही थी मैं पहले ही चली जाती दिखाने के लिए, क्योंकि अभी मैं जा भी नहीं रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड गए हुए हैं लंदन, तो वो आएंगे संडे को, तो मैं सोच रही जब वो आ जाएंगे तो साथ में दोनों दिखाने चले जाएंगे एक बार। और मेरे को थोड़ी तबीयत भी ढीली ढाली लगती है और बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है, बट थोड़ा मेरे को मायके में आराम मिल जाता है, ससुराल में मुझे करना ही पड़ता है काम, ससुराल तो ससुराल ही होता है, क्या कर सकते, क्योंकि मेरी सास माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती है, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा बात की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उनको बात की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वो जब से हॉस्पिटल से आए ना तब से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है उनको और ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनसे तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करती कि कुछ काम करेंगे, और ना मेरे को अच्छा लगता है कि वो करें जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट हाँ मेरे ससुर जी मेरी हेल्प कर देते काम करने में, वो थोड़ा बहुत कर लेते, क्योंकि आजकल मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रह रही, ना मैं खाना खा रही हूँ ना मेरा काम करने का मन कर रहा है, बट क्या कर सकते हैं यार, तो कोई नहीं, फिलहाल मैं फटाफट से बना लेती हूँ मैगी और फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर मैं आप लोगों से शाम को मिलूँगी। आपको भी फेस पे एक्टिविटी लग रहा होगा कि बहुत मेरा फेस भी डल हो गया, मेरी मम्मी भी कहती है कि फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया, बस कोई नहीं यार, लगी रहती है तबीयत तो ख़राब, लगी रहती है, क्या कर सकते हैं आप इसमें जो। चलो तो फटाफट मैं बना लेती हूँ मैगी और खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों टाइम होने वाला है 9 बजे का, और अभी हम गए थे बाहर किसी काम से, क्या गए थे, मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए थे, क्योंकि मम्मी को और बीपी लो, और हम गए थे असंभव चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा घूमती हुई, डॉक्टर मैंने आपको पहले बताया है पहले वीडियो में कि मेरे को डॉक्टर ने घूमने के लिए बोला हुआ है, तो मैं 3-4 राउंड लगाने गई थी, और फिर मैं अपने चाचा जी के घर पे भी गई थी, क्योंकि मेरे जो बीच वाले चाचा है वो बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो वो भी जा रहे हैं परसों वापस, तो हम उनसे मिलने के लिए गए थे आज। और बस कुछ नहीं, अभी हम मैं अभी आई एम जस्ट अभी घर पे, और अभी मेरी मौसी की लड़की ने बनाई है चाय, तो हम चाय पी रहे हैं, आज मैं तीसरी चाय पी रही हूँ, वैसे मैं अपने ससुराल में एक भी चाय नहीं पीती, मुश्किल से एक चाय पीती हूँ, और यहाँ पे मैं तीसरी चाय पी रही हूँ। तो फिलहाल खाना वाना मेरी मौसी की लड़की ने बना दिया, और अभी हम पी रहे चाय, और मम्मी लेके आई है मट्ठी, हम वो खा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में हम खाएंगे खाना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड गए हुए हैं लंदन, तो उनसे मेरी अभी सुबह से अभी तक एक ही बार बात हुई थी मॉर्निंग में, क्योंकि वहाँ का और यहाँ के टाइम में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ अभी यहाँ पे 9 बज रहे, तो वहाँ पे मैक्सिमम 2 बज रहे होंगे आई थिंक, हाँ 2 बज रहे होंगे, तो और 8-7 बजे तक वो ड्यूटी करते हैं, क्योंकि आज वो गए हैं ड्यूटी वहीं पे, मतलब जो उनके वहाँ के, क्योंकि यहाँ पे जो इनका ऑफिस यहाँ पे है, जाई जॉब करते हैं नोएडा में, वही उनका लंदन में भी ऑफिस है, और वो भी वहाँ पे भी वो ऑफिस के ही काम से गए हैं, क्या कहते हैं, बट वो कल घूमे थे, तो उन्होंने शॉपिंग वगैरह करी थी, कुछ मेरे लिए सामान लिया था, कुछ घर वालों के लिए सामान लिया था, चॉकलेट वगैरह लिए थे, तो वो उन्होंने ले लिया, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल कुछ सामान खरीदने का। तो मैंने बताया था कि उन्होंने कल जो जो सामान लेना, चॉकलेट वगैरह लेना, क्या यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे एक अगर आप एक कपड़ा भी, एक टी शर्ट भी लोगे या शर्ट पैंट भी लोगे, तो उसका प्राइस कम से कम 6,000 रुपये का है, 6,000 से कुछ नीचे नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा मतलब हाई कॉस्टली है वहाँ पे। तो फिलहाल वहाँ से लाने के आए यार, हम जैसे आप लोगों के लिए तो बहुत ही है यार, फिलहाल कुछ नहीं, बट उन्होंने चॉकलेट वगैरह लाया, मैंने बोला था कि तुम बाहर गए तो चॉकलेट वगैरह जरूर लाना सबके लिए, मैंने अपनी मम्मी के घर के लिए मंगाया, और ससुराल में मेरे मतलब बहन वगैरह रहती तो उनके लिए मंगाया, थोड़ा घर के लिए मंगाया। बस कुछ नहीं, अब वो संडे को आ जाएंगे, और बस अभी पी लेती हूँ चाय, थोड़ी देर में यहाँ पे बैठी है मेरी मम्मी, हाय, मेरी मम्मी पी रही है चाय, और लाए हम मट्ठी, मम्मी मट्ठी और चाय खा रहे हैं, मैं भी चाय और मट्ठी खाऊंगी। मेरी जो बहन है मौसी की लड़की, वो बाहर की चीज़ें नहीं खाती, तो वो अपने लिए कुछ पैसा लेने के लिए गई है, कुरकुरे वगैरह लेने के लिए गई, वो वही खाएगी। तो फिलहाल पीती हूँ मैं अभी चाय, और मैं आज मैंने अपने मम्मी पापा से बात नहीं करी, अपने सास ससुर से भी बात नहीं करी, मम्मी पापा कहते हैं तो मिस्टेक हो जाती है दोनों के लिए कि किसकी किसकी बात कर रही है, अभी सास ससुर से भी बात नहीं करी है, तो अभी उनको भी फ़ोन करूँगी। और कल हुई थी मेरी उनसे बात जब मैं यहाँ आ गई थी, और वो भी मेरी सास भी ऐसे उनकी तबियत वगैरह नहीं रहती, और उन्हें फ़ोन वगैरह इतना चलाना आता नहीं, तो मुझे फ़ोन कैसे करेगी। तो फिलहाल कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ अपने सास ससुर को, थोड़ी देर में उनसे बात कर लेती हूँ, और कुछ नहीं, हस्बैंड से तो अभी बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो भी ऑफिस में, और जब तक मैं यहाँ, जब तक वहाँ 9 बजेंगे तब तक हम यहाँ पे 4-3 मतलब 3:30 बजे जो भी बजे होंगे, 5 घंटे का डिफरेंस है। तो फिलहाल भी पीती हूँ चाय, फिर मिलती है आप लोगों को थोड़ी देर।